हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है एपिथीलियम। तो एपिथीलियम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है बनते हैं कि रेस्पिरेटरी एपिथीलियम कौन सी होती है, डाइजेस्टिव एपिथीलियम कौन सी होती है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम कौन सी होती है, कहाँ पाई जाती है, कॉर्निया में कौन सी एपिथीलियम होती है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे कि कौन सी एपिथीलियम कहाँ पर पाई जाती है। तो एपिथीलियम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर वीडियोस और सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है उनका लिंक, तो आप लोग चाहे उन्हें चेक कर लेना। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एपिथीलियम की। तो एपिथीलियम क्या होता है, देन इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो एपिथीलियम क्या है, इट इज लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर होलो ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर। तो बॉडी के जो होलो ऑर्गन्स होते हैं या फिर स्ट्रक्चर्स होती है उनकी जो कवरिंग होती है, इंटरनल कवरिंग एज वेल एज आउटर कवरिंग, वो क्या कहलाती है, एपिथीलियम कहलाती है। ठीक है। अब एपिथीलियम को जो है मेनली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथीलियम एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। ठीक है। तो उनको किस बेस पे डिवाइड किया जाता है वो समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि एपिथीलियम में जो सेल्स पाई जाती है वो तीन तरीके की सेल्स पाई जाती है। पहली होती है चपटी यानी कि फ्लैट सेल्स पाई जाती है, दूसरी जो होती है क्यूब शेप जो सेल्स पाई जाती है, घनाकार जिसको बोल सकते हैं, और तीसरी जो लॉन्ग सेल एलोंगेटेड सेल्स पाई जाती है जिनको हम लोग कॉलम शेप शेप बोलते हैं। तो उसके बेसिस पे इनको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो जो चपटी सेल्स है उनको बोला जाता है स्क्वैमस सेल बोला जाता है, क्यूब सेल है उनको बोला जाता है क्यूबॉइडल सेल, और जो लंबी सेल्स होती है उनको बोला जाता है कोलोमनार सेल्स बोला जाता है। और इन सेल्स के नीचे क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली दो लेयर्स होते हैं प्रोटीन्स के, जिसमें लेमिनिन और कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनको होल्ड करने का काम करते हैं, अटैचमेंट जिस भी ऑर्गन से लगी हुई है उसको अटैचमेंट देने का ये वर्क प्ले करते हैं। ठीक है। तो तीन टाइप की सेल हो गई, फ्लैट सेल को स्क्वैमस सेल, क्यूबॉइडल सेल और कॉलमनार सेल। इसके बेसिस पे जो है इनको कैटेगराइज करते हैं। तो देखते हैं एपिथीलियम दो टाइप की होती है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, यानी एक लेयर जो पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल, और एक से ज्यादा लेयर है, मोर देन वन लेयर है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम बोलते हैं। ठीक है। तो अब जैसे बात करते हैं कि अगर चपटी सेल की सिंगल लेयर है तो उस एपिथीलियम का नाम हो जाएगा क्या, सिंपल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चपटी को, स्क्वैमस। तो इस एपिथीलियम का नाम क्या हो गया, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। दूसरा, अगर सिंगल लेयर है क्यूबोइडल सेल की तो इस एपिथीलियम का नाम क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथीलियम। ऐसे ही सिंगल लेयर है लंबी सेल्स की तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल कॉलोमनार एपिथीलियम। तो इस तरीके इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। देन आगे हम लोग इनका क्लासिफिकेशन डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसमें अगर इसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, सिलिएटेड कॉलोमनार एपिथीलियम बोल देंगे। ओके। तो इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आगे हम लोग इसका कैटेगराइजेशन डिटेल से समझेंगे। दूसरा, अगर एक से ज्यादा लेयर है तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। तो जैसे चपटी सेल्स की एक से ज्यादा लेयर हो तो उसे हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, चपटी सेल्स है तो उसे हम लोग बोलेंगे, क्योंकि चपटी सेल्स को स्क्वेमस बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। ऐसे ही घनाकार यानी जो क्यूब सेल्स है उनकी अगर एक से ज्यादा लेयर्स पाई जाती है तो इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथीलियम। ऐसे ही जो लंबी सेल्स है जिनको हम लोग कॉलम सेल बोलते हैं, कॉलमनार सेल बोलते हैं, अगर उनकी एक से ज्यादा लेयर है तो इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथीलियम। बट इन पे अगर सिलिया प्रेजेंट है तो वो वहां पर सिलिएटेड लिख देंगे, तो उसको हम लोग डिटेल से आगे कैटेगराइज देखेंगे। तो दोनों टाइप के एपिथीलियम को हमने समझा, अब हम इनके टाइप्स और एग्जांपल्स को देखते हैं। अब वन बाय वन हम दोनों एपिथीलियम को समझते हैं। सबसे पहले सिंपल एपिथीलियम को समझते हैं, यानी ऐसे एपिथीलियम जिसमें एक ही लेयर पाई जाती है। तो ये टोटल 6 टाइप में कैटेगराइज करी जाती है, इनके एग्जाम्पल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली सिंपल स्क्वेमस, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, चपटी सेल्स की अगर एक लेयर है दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम कहलाती है। और इसका एक और नाम होता है, इसे मेजोथेलियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोस्टली जो अपने हार्ट और लंग्स की जो सर्फेसेस होती है उनको ये कवर करने का काम करती है। ठीक है। तो जो एंडोथेलियम जो होती है, एंडोथेलियम लाइलिंग होती है ब्लड वेसल्स की, कैपिलरीज की, वहां पर भी ये प्रेजेंट होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेजोथेलियम। तो इसका कौन कौन से ऑर्गन्स में ये पाई जाती है, तो सबसे पहले बात करते हैं लंग्स की एल्वियोलाई। तो लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है, तो एल्वियोलाई के इंटरनल सरफेस में 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है, वो सभी चपटी सेल्स होती है, फ्लैट सेल्स होती है। ठीक है। तो फ्लैट सेल्स की है इसलिए इसे क्या कहेंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम कहते हैं। तो इसमें 3 टाइप की सेल्स होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 जो है मेजर सेल्स होती है 95%,
टाइप टू सेल्स जो होती है लंग सर्फेक्टेंट बनाती है, और टाइप थ्री सेल्स जो होती है वो मैक्रोफेजेस का वहां पर काम करती है एज ए डस्ट सेल। ठीक है, तो वो होगी लंग सेल्वुलाई में कौन सी पाई जाती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा जो हार्ट की जो लेयर पाई जाती है, इनर लेयर पाई जाती है, जिसे हम लोग एंडोकार्डियम बोलते हैं, तो एंडोकार्डियम की लेयर भी जो होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लेयर होती है, ठीक है, इनर लेयर होती है, वो भी सिंपल स्क्वेमस यानी चपटी सेल्स होती है। प्लूरल कैविटी की जो लेयर्स होती है वो भी स्क्वेमस सेल होती है। पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है, जो कि हार्ट प्लूरल कैविटी लंग्स के चारों तरफ पाई जाती है, जिसमें 5 से 15 ml फ्लूड भरा रहता है। पेरिकार्डियल कैविटी हार्ट के चारों तरफ पाई जाती है, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूड भरा रहता है, विच इज ऑल्सो सेम 5 से 15 ml। देन पेरिटोनियम जो लेयर होती है, जो कि अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स के सराउंडिंग्स में पाई जाती है, तो पेरिटोनियम लेयर भी जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथिलियम की पाई जाती है। यानी तीनों जो मेजर कवरिंग्स होती है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथिलियम होती है। इसके अलावा अपने जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस नेफ्रोन होता है, तो ग्लोमेरुलस जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है उस जगह पे भी सिंपल स्क्वेमस एपिथिलियम पाई जाती है, और लूप ऑफ हेनले होता है वहां पर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथिलियम ही पाई जाती है। ठीक है, तो इन सभी लोकेशन पे कौन सी सेल्स पाई जाती है, चपटी लेयर की सिंगल लेयर्स पाई जाती है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, विच इज सिंपल क्यूबॉइडल यानी डक्टल एपिथिलियम के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी मोस्ट ऑफ द जो ग्लैंड होती है उनकी डक्ट जो होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल यानी एक लेयर जो कि क्यूब सेल की होती है। तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, जैसा कि इसका नाम है डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाई जाती है। इसके अलावा रिनल ट्यूब्यूल, तो नेफ्रोन में DCT एंड PCT जो होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को भी जो है ये कवर करने का काम करती है। इसके अलावा तीसरी जो है सिंपल के अंदर वो है सिंपल कोलोमनार एपिथिलियम। तो सिंपल कोलोमनार में एक लेयर पाई जाती है कैसी सेल की, लंबी सेल की, इलोंगेटेड यानी कोलम सेल की एक लेयर पाई जाती है, और इसका दूसरा नाम होता है डाइजेस्टिव एपिथिलियम। क्वेश्चन पॉइंट है कि डाइजेस्टिव एपिथिलियम किसका नाम होता है, सिंपल कोलोमनार एपिथिलियम का नाम होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ से लेकर के लोअर इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक जो है, यानी इसोफेगस लोअर इसोफेगस की बात करें वहां से लेकर के स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, वहां तक जो है पूरी ट्रैक्ट के अंदर कौन सी एपिथिलियम पाई जाती है, डाइजेस्टिव एपिथिलियम विच इज सिंपल कोलोमनार एपिथिलियम। इसमें विलाइज एंड माइक्रो विलाइज प्रेजेंट होते हैं, बट वो सिलिया नहीं होते हैं। सिलिया आर रोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट यहाँ पर सिलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, विलाइज एंड माइक्रोविलाइज, बट वो एपिथिलियम कौन सी होती है, सिंपल कोलोमनार एपिथिलियम होती है। नेक्स्ट अपने पास है चौथी, सिलिएटेड सिंपल कोलोमनार एपिथिलियम। है तो ये कोलोमनार एपिथिलियम ही सिंपल, बट इसमें क्या हो गया, सिलियाज प्रेजेंट होते हैं, रोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और जब भी सिलिया प्रेजेंट होंगे तो हमें याद रखना है किसी न किसी चीज के मूवमेंट में वो हेल्प करने का काम करते हैं। तो जैसे कि बात करें फेलोपियन ट्यूब एंड एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, यूटेरस की जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेलोपियन ट्यूब की बात करें, ये फेलोपियन ट्यूब्स हो गई, और यहाँ पर ये ओवरीज होती है इस तरीके से। तो अंदर की जो लाइनिंग होती है वो, और फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग जो है वो किससे कवर होती है, सिलिएटेड सिंपल कोलमनार एपिथिलियम से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये ओवम की और स्पर्म के मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है, जैसा कि मैंने बताया सिलिया किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अदरवाइज ये किसके जैसी होती है, डाइजेस्टिव एपिथिलियम की जैसी ही होती है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, इसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। कहाँ पाई जाती है, फेलोपियन ट्यूब और यूटरस की इंटरनल लाइनिंग कवरिंग के अंदर ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है पांचवा, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनार सिंपल एपिथिलियम। ठीक है, तो जो सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनार एपिथिलियम है, तो इसमें कौन सी सेल पाई जाएगी, कोलोमनार सेल पाई जाएगी, कोलम सेप सेल पाई जाती है। और ये इसका एक और नाम भी होता है, इसे रेस्पिरेटरी एपिथिलियम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पिरेटरी एपिथिलियम कौन सी होती है, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनार एपिथिलियम होती है। इसमें क्या है, अब ये जो है इनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होता है इसलिए इनको सिलिएटेड बोल दिया। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब नाम में तो आ रहा है स्ट्रेटिफाइड, यानी एक से ज्यादा लेयर होनी चाहिए, लेकिन स्यूडो वर्ड का मतलब होता है आभासी, यानी दिखती किसके जैसी है, मल्टीपल लेयर की तरह दिखती है, लेकिन होती कैसी है, एक ही लेयर, इसलिए इसको कैटेगराइज किया हमने सिंपल एपिथिलियम के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, कुछ सेल्स लंबी होती है, कुछ शॉर्ट होती है, जिस वजह से वहां पर एक स्ट्रेटा दिखाई देता है, यानी मल्टीपल लेयर वो है दिखाई देती है, तो न्यूक्लियस का एक लेयर बन जाता है, इस वजह से इस जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड दिखती है, बट होती क्या है, सिंगल लेयर होती है। और कैसी सेल्स की होती है, लंबी सेल्स की, यानी कॉलम सेल शेप की होती है। और इसका दूसरा नाम होता है रेस्पिरेटरी एपिथिलियम। तो जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, रेस्पिरेटरी एपिथिलियम मतलब नोज,
पैरानेजल साइनस जो कि लास्ट हमने रेस्पिरेटरी एनाटॉमी के पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़े थे, वो देख लेना आप लोग। तो पैरानेजल साइनसेस जो होते हैं उनके अंदर भी यही एपिथिलियम होती है। इसके अलावा ट्रेकिया और ब्रोंकाइज के अंदर जो है ये एपिथिलियम पाई जाती है। ट्रेकिया ब्रोंकाई के बाद में जो है नेक्स्ट बात करते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में कौन सी पाई जाती है? सिंपल स्क्वेमस। बाकी अदरवाइज जो है यही पाई जाती है पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो है जर्मिनल एपिथिलियम। तो जर्मिनल एपिथिलियम इन द सेंस जर्म यानी ओवम एंड स्पर्म से रिलेटेड हो गया, यानी ओवम और स्पर्म बनाने वाले ऑर्गन से रिलेटेड जो एपिथिलियम है वो क्या कहलाती है? जर्मिनल एपिथिलियम कहलाती है। इसे एपिथिलियम ऑफ वाल्डेयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो एपिथिलियम होती है इसमें मिक्सचर होता है स्क्वेमस और क्यूबॉइडल सेल का, बट सिंगल लेयर ही वो होती है। बट स्क्वेमस और क्यूबॉइडल का मिक्सअप होता है, इसलिए ना तो इसे स्क्वेमस बोल सकते हैं ना इसे क्यूबॉइडल बोल सकते हैं। बट किसका टाइप है? सिंपल का। तो इसका नाम दे दिया हमने अलग से जर्मिनल एपिथिलियम, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अपने रिलेटेड है। तो अपन बात करें फीमेल्स में ओवेरियन की जो आउटर लाइनिंग होती है वो जर्मिनल एपिथिलियम होती है, और मेल्स के अंदर जो स्पर्म को टेस्टिस से कैरी करने का काम करते हैं ट्यूब्यूल्स, जिनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उन ट्यूब्यूल्स की इंटरनल लाइनिंग भी कौन सी होती है? जर्मिनल एपिथिलियम ही होती है। तो ये जर्मिनल एपिथिलियम के एग्जाम्पल हो गए। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स है वो है सिंपल एपिथिलियम के एग्जाम्पल्स। इसमें याद रखने वाले पॉइंट क्या क्या है? फर्स्ट वन, तो सप्टी जो सेल्स पाई जाती है मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होती है। जैसे हम लोग हार्ट की बात करें, लंग्स की एल्वियोलाई की बात करते हैं, तीन मेजर कवरिंग्स होती है जैसे प्लूरा हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, पेरिटोनियम कैविटी हो गया, उन सभी जगह पे कौन सी पाई जाती है? सिंपल स्क्वेमस पाई जाती है। ये हमें याद रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डाइजेस्टिव एपिथिलियम वाला पॉइंट है, इसको भी हमें याद रखना है। वो थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि फेलोपियन ट्यूब और एंडोमेट्रियम यानी यूटरस में कौन सी पाई जाती है? यही पाई जाती है, बट उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सिलिया प्रेजेंट। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्पिरेटरी एपिथिलियम किसे बोलते हैं? तो किसको कहते हैं? सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथिलियम को जो है रेस्पिरेटरी एपिथिलियम बोला जाता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाल्डेयर या जर्मिनल एपिथिलियम कहाँ पाई जाती है? फीमेल्स के अंदर ओवेरीज की आउटर सरफेस और मेल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर सरफेस को ये बनाती है। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम के टाइप्स के बारे में। तो इसको टोटल चार टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। सेल्स की लेयर एक से ज्यादा होती है इसलिए इनको स्ट्रेटिफाइड बोला जाता है। चपटी सेल्स की लेयर एक से ज्यादा है, फ्लैट सेल्स जो है उनकी लेयर अगर एक से ज्यादा तो उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्क्वेमस मतलब फ्लैट सेल्स, स्क्वेमस एपिथिलियम। अब ये फर्दर दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और दूसरी नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम। क्या डिफरेंस है? इन सेल्स के अंदर अगर केरेटिन प्रोटीन पाई जाती है इसका मतलब वो केरेटिनाइज्ड है, और केरेटिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है इसका मतलब वो नॉन केरेटिनाइज्ड है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, दोनों के एग्जांपल देखते हैं। तो केरेटिन प्रोटीन है, हमें अच्छे से पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि स्किन के अंदर जो है हमें केरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो स्किन जो होती है अपनी किसका एग्जाम्पल है? केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम का, यानी एक से ज्यादा लेयर पाई जाती है। तो वो जो है वाटरप्रूफ एपिथिलियम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि वाटरप्रूफ एपिथिलियम इनमें से कौन सी है तो क्या आंसर दोगे? केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम। दूसरी ऐसी एपिथिलियम, ऐसी स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम जिसके अंदर केरेटिन प्रोटीन नहीं पाई जाती, तो नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम। इसे नीड टू मॉइस्ट एपिथिलियम भी बोला जाता है। क्वेश्चन पॉइंट है कि ऐसी एपिथिलियम कौन सी है जिसे हमेशा डैमेज से बचाने के लिए गीला रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्किन होती है बॉडी के अंदर जिनको हमेशा मॉइस्ट रखना जरूरी होता है? सबसे पहला बात करते हैं, इसके अंदर एग्जांपल है कॉर्निया। क्वेश्चन पॉइंट, कॉर्निया में कौन सी एपिथिलियम होती है? नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम होती है। तो कॉर्निया जो है अपना आई का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है वो क्या होता है? नॉन केरेटिनाइज्ड होता है। इसके अलावा लिप्स जो होते हैं इनर सरफेस होती है, माउथ यानी ओरल कैविटी की इनर सरफेस जो होती है वो भी कौन सी होती है? नॉन केरेटिनाइज्ड होती है। ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे की साइड में ओरोफेरिंग्स होती है वो भी होती है। वेजाइना जो होती है फीमेल्स के अंदर वो भी इसी टाइप की होती है। और अपर इसोफेगस जो है वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम होती है, नॉन केरेटिनाइज्ड। लोअर इसोफेगस से तो डाइजेस्टिव एपिथिलियम जो है स्टार्ट हो जाती है, जो हमने पढ़ी थी सिंपल कोलुमनार एपिथिलियम जो है डाइजेस्टिव एपिथिलियम होती है। अपर जो इसोफेगस है उसमें ये वाली पाई जाती है। ओके, दूसरा जो टाइप है वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथिलियम, ऐसी एपिथिलियम जिसमें क्यूबॉइडल सेल की एक से ज्यादा लेयर पाई जाती है। तो वो होती है स्ट्रेटिफाइड मतलब एक से ज्यादा लेयर। तो एग्जांपल है
SMS, इससे हम लोग याद रख सकते हैं, स्वेट ग्लैंड यानी पसीने वाली ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड यानी मिल्क वाली ग्लैंड, इसके अलावा सलिवरी ग्लैंड यानी कि सलाइवा जो प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड होती है, वो सभी जो ग्लैंड्स की इंटरनल लेयर होती है वो किसकी होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है स्ट्रेटिफाइड कोलोमनर एपिथीलियम, एक से ज्यादा लंबी सेल्स के जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है स्ट्रेटिफाइड कोलोमनर, रेयरली ये पाई जाती है मेल यूरिथ्रा के ओनली कुछ पार्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, अदरवाइज ये प्रेजेंट नहीं होती है। सबसे लास्ट में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट पूछा जाता है कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और क्या मतलब होता है इसका। तो ट्रांजिशनल एपिथीलियम का दूसरा नाम होता है यूरोथीलियम। ओके, तो यूरोथीलियम नाम से पता पड़ा है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ये प्रेजेंट होगी, तो किडनी के बाद में यूरेटर, यूरेटर के बाद में ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद में यूरिथ्रा, इन तीनों पार्ट के अंदर जो है हम लोग बात करते हैं, जैसे किडनी की बात हो गई, दोनों किडनी से ये जो यूरेटर है कहां पर खुलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर उसके बाद में यूरिथ्रा, इन सभी लाइनिंग्स में क्या पाई जाती है, ये वाली यहाँ यहाँ पे और यहाँ पे, यूरेटर, ब्लैडर और सबसे लास्ट में यूरिथ्रा में कौन सी पाई जाती है, यूरोथीलियम या फिर ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रेजेंट होती है। अब इसका मतलब क्या है, ट्रांजिशनल वर्ड का मतलब होता है ट्रांजिशन, चेंज होना, रूपांतरित होना। तो ये जो तीनों जगह पे जो एपिथीलियम पाई जाती है वो एपिथीलियम जो है स्ट्रेच होने पे उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम। नॉर्मली रिलैक्सिंग कंडीशन में ये जो है क्यूबॉइडल टाइप की सेल्स जो की मल्टीपल लेयर दिखाई देती है, लेकिन जब स्ट्रेच होती है ये एपिथीलियम उस टाइम पे जो है ये स्क्वेमस यानी चपटी सेल्स में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेच करेंगे तो ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होती है वो खिंच जाती है, तो वो कैसी दिखाई देती है, स्क्वेमस सेल की तरह दिखाई देती है, तो इसे हम लोग जो है स्क्वेमस टू क्यूबॉइडल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहलाती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाले पॉइंट क्या है, सबसे पहला स्किन में कौन सी पाई जाती है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, नॉन क्रिएटिनाइज्ड है, उसको नीड टू मॉइस्ट एपिथीलियम बोलते हैं, और हमें अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन कौन सी एपिथीलियम, कौन कौन सी स्किन को मॉइस्ट रखना जरूरी होता है, कॉर्निया अगर मॉइस्ट नहीं रहेगा तो वो ड्राई हो जाएगा और डैमेज हो जाता है, इसी तरीके से इन स्ट्रक्चर्स में जो है ये पाई जाती है, तो कॉर्निया वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसके अलावा जो यूरोथीलियम या फिर ट्रांजिशनल एपिथीलियम कहाँ पाई जाती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये दो तीन पॉइंट थे स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम से रिलेटेड। अगर आज का लेक्चर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से दे देना। क्वेश्चन है, विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला, क्या रेस्पिरेटरी एपिथीलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होती है, क्या डाइजेस्टिव एपिथीलियम सिंपल कोलुमनर एपिथीलियम होती है, क्या कॉर्निया की एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है, क्या ट्रांजिशनल एपिथीलियम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा करेक्ट नहीं है, वो आप लोग को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दो। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कैसा लगा आपको, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।